हेलो फ्रेंड, मैंने कुछ समय पहले एक ड्रिल मशीन बनाई थी जो कि आपको बहुत अच्छी लगी। आपने उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, लाइक भी की उसको। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारों ने कमेंट लिखा है कि उसको आपको एक प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम यूँ आ रही है आपको कि आपको उसका बीट जो है वो बहुत सारों को मिल नहीं रहा है, बाजार में उसको अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो मैंने उसके लिए एक आपका सॉल्यूशन निकाला है, मैंने खुद ने एक बीट बनाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। तो फ्रेंड, बीट बनाने के लिए मैं एक कील का यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर आप देख लीजिए, ये कील की लंबाई जो है मेरे उंगली के बराबर की है। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैंने इतनी लंबी एक कील ली है। उसके बाद इसको जो आगे का नोक है, जो तीखा नोक है, इसको हम इस ड्रिल का बीट बनाएंगे। बीट आगे वाला जो हिस्सा होता है तीखा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक हैमर लिए हथौड़ी, उस हथौड़ी को मैंने एक जगह फिक्स कर दिया सबसे पहले, और दूसरी हथौड़ी जिससे मैं इसको ऊपर से शेप दूंगा ठोक ठोक कर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो ये आगे का बीट दिख रहा है, इसका नुकीला हिस्सा कील का, उसको हम इसको शेप में लाए। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने आगे से शेप दे दी। आपको भी ऐसा ही शेप देना है, इस कील को आगे तीखे हिस्से को ऐसा ही शेप देना है आपको। इसके बाद जो इसका हेड है कील का, जो उसको हम काट देंगे यहाँ पर। तो काटने के लिए मैं हेक्सा ब्लेड का, जो हमारी लोहे काटने की आरी होती है, उसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया है। आगे से ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन इसको अभी चलाने से पहले इसके ऊपर धार लगाना होगा हमें। तो जो हमारी इसको शार्प करना होगा, शार्प करने के लिए यहाँ पे मैं सिल्ली का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमारे औजार होते हैं उनको धार लगाने के लिए यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम इसको धार लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास सिल्ली नहीं होगी तो भी आप इसका ऊपर धार लगा सकते हो, किसी पत्थर के ऊपर जो हमारे घर के आसपास होता है पत्थर, उसका यूज़ कर सकते हो। जो प्लेन पत्थर होना चाहिए, और वो कोटा स्टोन नहीं होना चाहिए, या फिर टाइल नहीं होनी चाहिए, वो खुरदुरा पत्थर होना चाहिए, उसके ऊपर भी आप इसको धार लगा सकते हो घर पर। तो फ्रेंड्स, इसको मैं जैसे वीडियो में जैसे धार लगा रहा हूँ, वैसे आपको धार लगाना है यहाँ पर। तो जैसे आप देख लीजिए, इसमें मैंने तिरछा थोड़ा इसको तिरछा करके इसको धार लगाया यहाँ पर, और इसके ऊपर की जो नोक है उसको तीखा रखना है आपको, और एक तरफ तिरछा और उसके बिल्कुल विपरीत साइड में इसको वापस से घिसना है आपको। तो इसे ध्यान से आपको घिसना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर हाथ हिलेगा आपका तो इसकी धार जो है वो ख़राब हो जाएगी। थोड़ा आपको ध्यान से देखना और इसको घिसना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस सिल्ली का अगर यूज़ करते हो आप, तो इसको उल्टा कर लीजिए, और उसके बाद जो आपको पीछे जो चिकना साइड है उस पर वापस आपको इसको घिसना है, क्योंकि जो मोटा वाला साइड होता है फ्रेंड्स, वो वाला होता है इसको जो हमारी शेप देने के लिए, और जो चिकना वाला साइड होता है वो बिल्कुल धार को शार्प करने के लिए होता है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद जो हमारा ये बीट है, इसको हम इस नोजल में लगाएंगे। तो ये नोजल मैंने कहाँ से लिया है, आपको मेरी ड्रिल मशीन जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया कि कहाँ से ये मिलेगा आपको, तो ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये यहाँ पर लगाओगे तो ये इसमें नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको इसको आगे से घिसना होगा। तो घिसने के लिए मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप किसी शॉप पर चल जाइए, कारपेंटर की शॉप पे, या फिर कहीं भी लोहे की दुकान पर जाकर उससे बोल दीजिए आपके मुझे बस 2 मिनट के लिए ड्रिल से काम है, तो वो आपका काम कर देगा। 5 या 10 रुपये लगा, या फिर बहुत सारे फ्री में भी कर देंगे आपका काम। तो जैसे आपको ये सैंड पेपर लेना है, सैंड पेपर आपको बाज़ार में मिल जाएगा, या फिर कारपेंटर की शॉप पर भी मिल जाएगा ये वाली आपको। और इसको यहाँ सामने रखना है और इस ड्रिल को चालू कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको सामने यहाँ पर रखकर इसको ड्रिल को हम चालू करते हैं। तो ये जैसे ड्रिल घूमेगी हमारा, तो ये जो हमारी बीट है इसको भी घिसना चालू कर देगी, जिससे हमारा पतला हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अगर आप इसको घिसते हैं तो बीच बीच में आपको चेक भी करना होगा कि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। अगर पतला हो गया तो हमारा बिल्कुल भी काम का यूज़ नहीं होगा क्योंकि बार बार निकल के जाएगा। तो इसको बार बार आपको बीच में चेक करना होगा कि ये बीच में इससे थोड़ा ढीला ना हो जाए। इसको थोड़ा हल्का सा टाइट रखना है ताकि ये हमारा बार बार हिले नहीं और जो हम यूज़ करें तो ये बार बार निकलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, बार बार इसको चेक कर रहा हूँ, तो इसको आपको भी ऐसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने आगे से घिस दिया है अच्छे से हमारा बिल पर, तो इसको जब फंस जाएगा हमारा इसमें, तो अब हमको क्या करना है, इसको इसमें अच्छे से ठोकना है। तो ठोकने के लिए मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ आपको भी ऐसे यूज़ करना है। अगर आप इसको नीचे रख के ठोकेंगे तो ये गलती से हमारा आगे की धार, इसकी जो है शार्प धार है, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको मैं शिकंजे में यहाँ पर कस देता हूँ। सबसे पहले अच्छे से टाइट कसना होगा इसको यहाँ पर। अब हम इन दोनों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख कर और हथौड़ी से ऊपर से अच्छे से ठोक देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हमने ठोक दिया इसको अच्छे से यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये हमारा तैयार हो चुका है काम करने के लिए। अब इसको हम ड्रिल में यूज़ करेंगे। तो ये आपको ड्रिल का वीडियो देखना हो तो मेरी जाकर देख लीजिए, आपको मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो ये हम आपको मैं होल करके दिखाता हूँ इसका, इस लकड़ी के अंदर होल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर ये वर्क करने के लिए तैयार है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी हर एक नई वीडियो आपके लिए ऐसे यूज़फुल होगी। और अगर आपको कोई अगर किसी चीज़ के बारे में वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स पूरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।